बड़ी खबर राजधानी रांची से, जो क्रिकेट प्रेमियों के चेहरे पर खुशी ला सकती है। रांची में भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 मुकाबला होना है। सरकार ने 100% तक दर्शकों की एंट्री की बात कह दी है और ये नोटिफिकेशन जारी हो गया है। अब से थोड़ी देर पहले ही न्यूजीलैंड भारत ने अपने सूत्र के हवाले से यह खबर दिखाई थी कि 50% के जगह पे अब 100% दर्शक मैच देख सकेंगे, इसकी अनुमति दी जा सकती है और उस खबर पर मुहर लग गई है। आपदा प्रबंधन ने 100% स्टेडियम दर्शकों से भरा होगा और क्रिकेट का मजा ले सकता है। 19 नवंबर को JCA में T20 मुकाबला होना है और अब नोटिफिकेशन भी जारी हो गई। आपदा प्रबंधन ने यह क्लियर कर दिया है कि अब 50% दर्शक नहीं बल्कि 100% दर्शक बैठकर इस स्टेडियम में मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। अब स्टेडियम में 100% दर्शकों को मैच देखने की अनुमति मिल गई है और ज्यादा जानकारी लिए हमारे साथ सहयोगी आसिफ बने हुए हैं फोन लाइन पर। आसिफ, अब से थोड़ी देर पहले न्यूज 11 भारत ने अपने सूत्रों के हवाले से यह खबर बताई थी कि आपदा प्रबंधन इसकी अनुमति दे सकता है कि स्टेडियम में 100% दर्शक बैठेंगे और इस पर मुहर लग गई है। जी, ये बहुत ही खुशी की बात है झारखंड के लोगों के लिए और सबसे बड़ी बात है कि झारखंड सरकार ने जो 19 नवंबर को मैच T20 का भारत और न्यूजीलैंड के बीच रांची में खेला जाना है उसमें फुल हाउस कैपेसिटी के साथ परमिशन दे दिए। पहले सरकार ने 50% दर्शकों का स्टेडियम में परमिशन दिया था लेकिन अभी थोड़े देर पहले सरकार ने 100% स्टेडियम में दर्शकों को मैच देखने की अनुमति दे दी है। ये शायद देश का पहला स्टेडियम है जो कोरोना के बाद फुल हाउस स्टेडियम में इंटरनेशनल मैच का लुत्फ रांची, झारखंड और देश की जनता उठा सकेंगे। जी चलिए, हमने थोड़ी देर पहले यह खबर दिखाई थी कि कैसे टिकट के लिए लोग सुबह से इंतजार कर रहे थे टिकट काउंटर पर, अब ये खुशी जो है वो डबल हो जाएगी उन क्रिकेट प्रेमियों के लिए जो चाहकर भी नहीं देख पा रहे होंगे क्योंकि 50% थी परमिशन थी लेकिन अब 100% दर्शक बैठ सकेंगे, तो जाहिर तौर पर क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह बहुत बड़ी खबर है, हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ी खबर है कि कोरोना काल के बाद यह पहला स्टेडियम होगा जहां पर 100% दर्शक बैठकर मैच का मजा ले सकेंगे। आसिफ जी, आपने देखा कि जैसे 2 साल के बाद रांची में एक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला जाएगा, अभी क्रिकेट का पूरा फीवर पूरे दुनिया में लगा हुआ है। अभी जब दुबई में T20 वर्ल्ड कप खत्म हुआ और न्यूजीलैंड की जैसी टीम जो फाइनल खेली थी वही टीम रांची में 19 तारीख को पहुंच जाएगी और सबसे बड़ी बात यह है कि रांची के दर्शकों का क्रेज क्रिकेट के प्रति 2 दिन में काउंटर में देखने को मिला। 2 दिन में काउंटर में जन सैलाब उमड़ा है दर्शकों का काउंटर में और हर कोई चाह रहे हैं कि स्नैक का टिकट लेके हम स्टेडियम के अंदर बैठ के मैच देख सके और ये बहुत ही बड़ी बात हो गई कि 100% कैपेसिटी के साथ मैच देखने का परमिशन दे दिया गया। यानी जो झारखंड के लोग हैं उनके लिए ये दोहरी खुशी है, सारे लोगों के लिए ये दोहरी खुशी है और मैं झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारियों का तारीफ करना चाहेंगे कि उन्होंने अथक प्रयास किया था कि रांची में जो मैच हो उसमें सारे लोग माने 40,000 की कैपेसिटी है मैच देखने की दर्शकों के, उससे सरकार परमिशन दे दे और वो सरकार ने आज JCA को परमिशन 100% दर्शकों को मैच देखने के लिए दे दिया। जी बिल्कुल, ये काबिले तारीफ है और जाहिर तौर पर जो लोगों ने वैक्सीन लिया है उनके लिए भी ये खुशी की बात है कि अब वो यहाँ पर बैठकर मैच देख पाएंगे। तो एक बड़ा डिसीजन था, कोरोना प्रोटोकॉल के मद्देनजर ये डिसीजन लिया गया था कि सिर्फ 50% ही दर्शक यहाँ पर मैच का आनंद ले पाएंगे लेकिन अब आपदा प्रबंधन ने हरी झंडी दिखा दी है, 50 नहीं बल्कि 100% तक, यानी कि स्टेडियम ये पहला स्टेडियम होगा कोरोना काल के बाद जो 100% दर्शकों के साथ भरा होगा। T20 का मुकाबला भारत का न्यूजीलैंड के साथ होना है और जाहिर तौर पर क्रिकेट प्रेमियों के चेहरे पर खुशी जरूर लौट आई होगी। जी जी राजदा,
और एक खुशी की और बात है कि खाने पीने को भी लेकर किसी तरह की कोई परेशानी रांची के जेएससी इंटरनेशनल स्टेडियम में नहीं होगी। सरकार ने खाने पीने के भी सामान के परमिशन जेएससी प्रशासन को दे दिए। रास्ता में आपको एक बात बताना चाहता हूँ, सहयोगी अजय लाल भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है स्टूडियो में। अजय, ये बेहद खुशी की बात है, आपदा प्रबंधन ने हरी झंडी दिखा ली। न्यूज 11 ने थोड़ी देर पहले सूत्रों के हवाले से यह खबर दिखाई थी कि 100% परमिशन मिल सकता है दर्शकों का, और इस पर मुहर भी लग गई। बिल्कुल राजदा, अब से एक घंटे पहले न्यूज 11 ने अपने सोर्स के माध्यम से, जो ऑफिशियल सोर्सेज होते हैं, उसके माध्यम से इस बात की पुष्टि की थी कि सरकार इस बाबत फैसला ले सकती है, और उस खबर पर अब से कुछ पल पहले मुहर लग गई है। तो क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक बड़ी राहत की बात है। जिस प्रकार से पिछले दो दिनों से टिकट काउंटर पर क्रिकेट प्रेमियों की भीड़ देखी जा रही थी, अब लगता है कि ये भीड़ थोड़ी कम होगी, और जो पूरा का पूरा जो मैच का कैपेसिटी है, जो क्षमता है, लगभग 40,000 के आसपास दर्शक एक साथ बैठकर मैच देख सकते हैं। तो तमाम क्रिकेट प्रेमियों ने सरकार को बधाई दी है इस बाबत फैसला लेने के लिए। जाहिर सी बात है, मैच को लेकर खासकर रांची के लोगों का उत्साह काफी चरम पर होता है, और जब कभी भी रांची में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेले जाते हैं राजदा, पटना से, बिहार से काफी संख्या में लोग आते हैं मैच को देखने के लिए। तो ऐसे लोगों के लिए भी राहत की बात है। क्रिकेट प्रेमियों जो टिकटों को लेकर जो मारामारी थी, कुछ हद तक उस पर अब लगाम लगेगी, लोग आराम से मैच देख पाएंगे। सरकार का बहुत बड़ा फैसला, तमाम लोगों ने सरकार को बधाई दी है राजदा। बिल्कुल अजय, और जाहिर तौर पर हमारे जो क्रिकेट प्रेमी है, क्रिकेट का जो खुमार होता है वो लोगों के सर पर चढ़कर बोलता है। अब कहीं ना कहीं वैसे क्रिकेट प्रेमी जो थोड़े से मायूस थे कि शायद उन्हें टिकट नहीं मिल पाएगी, उनके चेहरे पर भी खुशी आ गई। बिल्कुल राजदा, देखिए इस बाबत एक बड़ी बैठक के अंक का कयास लगाए जा रहे थे। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बारे में भी कहा जाता है कि वो क्रिकेट के प्रेमी है, और इस फैसले के बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि खुद हो सकता है कि मुख्यमंत्री भी कुछ देर के लिए, चूंकि उनकी व्यस्तता होती है, पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर, तो कुछ देर के लिए वो मैच देखने जरूर जाए। एक बहुत बड़ा फैसला है, खासकर जिस प्रकार से भीड़ लगती है, और खासकर रांची धोनी का होम ग्राउंड माना जाता है, तो एक क्रेज यह भी है कि धोनी का एक क्रिकेट ग्राउंड है, यहाँ पर उन्होंने क्रिकेट का ABCD सीखा था। जाहिर सी बात है, इस फैसले को लेकर अब जो एक प्रकार से क्रिकेट प्रेमियों की जो उत्साह है, उत्साह तो चरम पर होगा ही टिकट को लेकर। तो पिछले कई दिनों से हमने देखा कि ऑनलाइन टिकटों की बुकिंग हो रही है, या फिर टिकट काउंटर पर सुबह 6 बजे के पहले ही लोगों की बड़ी भीड़ आ जाती है। तो अब ऐसे लोगों को बड़ी राहत सरकार ने दी है, 100% कैपेसिटी के साथ लोग मैच देख पाएंगे। और जाहिर सी बात है, कहा जाता है कि क्रिकेट के हर गेंद में उत्साह होता है, हर गेंद पर रोमांच होता है। तो जब क्रिकेट प्रेमियों की बड़ी भीड़ होगी, तो मुझे लगता है कि भारत और न्यूजीलैंड की जब टीमें आमने सामने होगी, तो दर्शकों का उत्साह भी उन्हें मिलेगा। तो दोनों के लिए खुशखबरी है, दर्शकों के लिए भी और क्रिकेटरों के लिए भी। राजदा, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो तमाम जानकारियों के लिए। तो एक बड़ी राहत की खबर है उन क्रिकेट प्रेमियों के लिए जो थोड़े से मायूस हो चुके थे कि शायद उन्हें टिकट नहीं मिलेगी, तो अब उन्हें मारामारी भी नहीं करनी पड़ेगी, और 100% दर्शकों के साथ ये स्टेडियम भरा होगा, जिसमें टीम इंडिया के लिए चीयर अप करेंगे हमारे दर्शक। बहुत बहुत शुक्रिया। और बुलेटिन में फिलहाल लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।